नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीजेड। जनपद शिवपुरी की कोतवाली पुलिस ने झूठे अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों में एक युवक नाबालिग है और इस नाबालिग युवक ने ही खुद के अपहरण की साजिश रची थी। अपने दोस्त राजकुमार से दादी को फोन लगवा कर 6 लाख रुपए की मांग की गई थी। वहीं नाबालिग युवक के चाचा ने कोतवाली में अपने भतीजे के अपहरण और फिरौती की मांग को लेकर मामले की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने दोनों ही युवकों को शिवपुरी हवाई पट्टी के पास से एक घर से हिरासत में लिया है। समाचार एटीजेड के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार शर्मा जी हैं। उन्होंने बताया था कि इनका भतीजा जो है वो 5:30 बजे से घर से निकला हुआ था और 7:30 बजे उसके मोबाइल से फ़ोन आया इनकी माँ के पास, जो लड़के की दादी हैं, और उनसे कहा गया कि उसको मार देंगे नहीं तो 6 लाख रुपये दे दें। इस पर से इन्होंने जैसे ही सूचित किया है तो इसे प्रकरण भी पंजीबद्ध किया कोतवाली में, और सारी टीमें इसमें हमारे शहर के तीनों थाने की जो भी एक्सएस के साथ नेतृत्व में साइबर और एसटीडी टीम लगाई गई थी, और इसके पूरे सीसीटीवी फुटेज और सारी बातें टेक्निकल वाली की गई थी। इसमें जब जानकारी ली गई उसका फुटेज देखे गए तो इसमें शंका हुई इसकी बात का, क्योंकि ये बोलो ग्राउंड जहाँ जाना बता रहा था वहाँ नहीं गया था, और उस बात से आगे जब बढ़ते गए और सारी चीज़ें देखते गए इसके कौन से फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, क्योंकि ग्वालियर में पड़ता है और पिछले 2 महीने से था, तो इसमें हमको सफलता मिली। इसका एक साथी भेड़िया जो पकड़ाया उसने बताया कि इसने ग्वालियर में इसके दोस्तों के साथ में कुछ कर्जा हो गया है 4 लाख के आसपास में, और ये 6 लाख रुपये लेना चाहता था, तो इसने सोचा था कि दादी जो बहुत प्यार करती हैं इसको, इनको जब बात पता लगी कि इसकी जान को खतरा है तो वो 6 लाख रुपये दिलवा देंगी और रात में फिर नई स्टोरी बना के ये आ जाएंगे। इसमें दोनों को, लड़की को बरामद कर लिया गया है और ये इसके साथी को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने विवेचना करके जिनके एक्सटॉर्शन का प्रकरण जो है वो घर वालों को धमका कर जान के भय में ला कर उनके इस तरह से कोशिश कर रहे हैं जो पैसा हटने की उसकी कार्रवाई करेगी, और ये पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको 2000 रुपये इनाम घोषित किया है। मुश्किल से सूचना आने के बाद में 3.5 घंटे में लोगों को बरामद कर लिया गया था, और एक अच्छी कार्रवाई पुलिस की शिवपुरी पुलिस की रही।